ये वो लोग होंगे कि जो अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए लेकिन उम्मीदवार होंगे, उन्हें उम्मीद होगी कि अल्लाह ताला ईमान की वजह से और शिर्क से बचने की वजह से उन्हें भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपनी जन्नतों में दाखिल करता है। बाकी सूरत के जो बुनियादी मजामीन है वही मक्के में जो नाजिल होने वाली सूरतों का आम अंदाज है उसी तरह के इसके मजामीन है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में, और ये तवील सूरत है, कई अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात तफसील से बयान किए, ये बताया कि ये अल्लाह के बंदे अपनी कौम को खालिस अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे, उनको ये समझाते रहे कि एक अल्लाह ही तुम्हारा दाता दस्तगीर मुश्किल उठा हाजत रवा बहुत है, अल्लाह ताला ही को तुम्हें मदद के लिए पुकारना है, अपनी हर जरूरत के लिए अल्लाह ही से सवाल करना, अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उसी के रास्ते में खर्च करना, उसी के नाम की तुम्हें नजरों में याद करनी, अल्लाह ताला ही को रुकू और सजदा करना है, हर वचन की इबादत का मुस्तहिक सिर्फ एक रब है जिसने ये पूरी कायनात बनाई और ये उसने हुक्म दिया है कि खालिस इबादत मेरी तुम करो, उसमें किसी और की बंदगी की मिलावट नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की सिफात और इख्तियारात में हिस्सेदार ना मानो, कोई भी अल्लाह की मखलूक में अल्लाह का हिस्सेदार नहीं है, अल्लाह का शरीक कोई भी नहीं, चाहे वो कोई मुकर्रम से मुकर्रम फरिश्ता हो या फिर कोई बड़े दर्जे का नबी हो, चाहे कोई जिन हो, चाहे कोई और मखलूक हो, अल्लाह ताला के सब आजिज और मोहताज बंदे हैं और अल्लाह ताला ही की खालिस बंदगी का रास्ता इख्तियार करके तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। अगर ये शिर्क का रवैया जो तुमने इख्तियार किया हुआ है ना छोड़ा तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, दुनिया में भी तुम तबाह और बर्बाद होगे, अल्लाह ताला अपने अज़ाब से तुम्हें नेस्त व नाबूद कर देगा और मरने के बाद फिर जो आग लगेगी वो कभी बुझाए ना बुझेगी, जहन्नम की आग किसी में बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत नहीं है, वही आग तुम्हारा उड़ना होगी, वही बिछोना होगी, तो अपनी बदनजामी से डरो, खालिस अल्लाह की बंदगी का रास्ता इख्तियार करो और मेरी पैरवी इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी रहनुमाई के लिए मामूर किया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की यही दावत रही है और जिन लोगों ने अकलमंदी से काम लिया, दानिशमंदी से काम लिया, उन्होंने अंबिया का रास्ता इख्तियार किया, उनका साथ दिया, उनके साथ मिलकर अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद करते रहे, लोगों के सामने अल्लाह की बात फैलाते रहे, पहुंचाते रहे, और जो बदनसीब थे शैतान के बहकावे में आकर और बाप दादा की अर्दी पहन के इख्तियार करके वो गुमराही के रास्ते पर जमे रहे, उन्होंने अंबिया और उनके साथियों का तमस्कर उड़ाया, उनका इनकार किया, उनको तकलीफों और परेशानियों से दोचार करने की कोशिश की और बिलाकर अल्लाह के अजाब का वो शिकार हुए। अल्लाह का जब अजाब आया तो कोई उनका बाबा, कोई उनका पीर, कोई मलंग, कोई भी उन्हें बचाने ना आया, जिनकी मदद का उन्हें भरोसा था। तो अल्लाह ताला ने ये वाकयात तफसील से बयान किए हैं इस सूरत में। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है, हूद अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है, सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया, फिरौन का वाकया जिसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बस्तियाँ जो अल्लाह के अजाब का शिकार हुई, अगर इनके रहने वाले ईमान ले आते, भला वन्ना हलल पुरा, अगर ये बस्तियों वाले आमनू व तकव, अल्लाह पर ईमान ले आते जैसा कि इनसे मुतालबा किया जा रहा था,
सिर्फ कानून ईमान नहीं कि अल्लाह भी दाता है और बाबा भी दाता है, अल्लाह भी दस्तगीर है और बाबा भी दस्तगीर है, अल्लाह भी मुश्किल कुशा है और ये बाबा भी मुश्किल कुशा है। ऐसे ईमान की अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं जिसमें अल्लाह के साथ किसी दूसरे को भी ताकत और कुव्वत का मालिक माना जाए। तो फरमाया कि अगर ये ईमान ले आते व तकव और तकवा इख्तियार करते, अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करते, तो लफताना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज, हम जमीन व आसमान से इनके ऊपर बरकतें निछावर करते, बरकतों के दरवाजे खोल देते, आसमान से अल्लाह ताला इनके लिए रिस्क नाजिल फरमाता, जमीन इनके लिए खजाने उगलती, दुनिया में भी ये चैन और सुकून से रहते, अल्लाह की बेइंतहा इनके ऊपर रहमतें होती और मरने के बाद भी ये जहन्नम की आग से बचा लिए जाते, कामयाब करार दे दिए जाते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने झुठलाया है, कौम वालों ने अल्लाह की बात को मान कर ना दिया, अपने बाप दादा और अपने मजहबी और सियासी रहनुमाओं की अंधी पैरवी को इन्होंने अंबिया के इत्तबा के ऊपर तरजीह दी। तो फरमाया कि फाखद ना हूँ बीमा कानून अस्तिबून, तो जो इन्होंने खुद काम किए थे उसकी वजह से हमने इनको पकड़ा है और फिर बर्बाद करके छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने खुद अल्लाह की आई हुई हिदायत को सुनने और उसके ऊपर गौर फिक्र करने, उसके ऊपर अमल पैरा होने की कोई कोशिश नहीं। इन्होंने खुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बनाया, हिदायत पहुंची इन्होंने आंखें बंद कर ली, उसको सुनने से कान बंद कर लिए। तो ये अल्लाह ताला का फायदा और कुलिया हर दौर के लिए, अगर कौम वाले सही मानों में ईमान लाएं जैसा कि अल्लाह ताला ईमान का मुतालबा करता है और अल्लाह का डर इख्तियार करें, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से परहेज करें, तो अल्लाह ताला आसमान से भी उन्हें रिस्क देगा और जमीन से भी। आज इस कौम की हमारी जो सूरत हाल है, हम आप देख रहे हैं हर एक परेशान है, हर एक रो रहा है, हुक्मरान बुरे हैं, महंगाई है, बदअमनी है, कत्लोगारत गरी है, कोई सुकून नहीं है। तो इन सारे मसाइल और परेशानियों की जो वजह है वो अल्लाह के साथ शिर्क का रवैया है जो आज कौम ने अख्तियार किया हो। कि लाहौर में मदफून अली हजवेरी को ये दाता और गंजबख्श कहते हैं और अब्दुल कादिर जिलानी को जो बगदाद में मदफून है उसको ये गौसुल आदम और दस्तगीर कहते हैं, अली अली अल्लाह को ये मुश्किल कुशा कहते हैं कि अल्लाह मुश्किलें डालता है, अली अली अल्लाह मुश्किलें दूर कर देते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती को ये गरीब नवाज कहते हैं और हर शहर हर बस्ती में तकरीबन इन्होंने जो है कब्रें पक्की करके उनको मजार और आस्थानों की शक्ल दे रखी है, वहाँ पूजा पाठ होती है, वहाँ उर्स होते हैं, वहाँ मेले होते हैं, कब्रों के तवाफ होते हैं, कोई वहाँ से औलाद मांगने जाता है, कोई रोगी मांगने जाता है और कोई बीमारी से शिफा मांगने जाता है। हालांकि ये सारे के सारे इख्तियारात तो एक अल्लाह के, रोटी देना ये भी अल्लाह का इख्तियार है, बीमारी देना सेहत देना ये भी अल्लाह का इख्तियार है, औलाद देना ना देना ये भी अल्लाह का इख्तियार है, इज्जत और जिल्लत देना ये अल्लाह का इख्तियार है, नफा और नुकसान देना अल्लाह ताला का इख्तियार है, किसी नबी वली जिन फरिश्ते किसी के भी इख्तियार में नहीं। तो अल्लाह के साथ शिर्क का रवैया हमेशा तबाही और बर्बादी का इंसान के लिए बाइस बनता रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, और यही कायदा और कुलिया अल्लाह ताला ने उन वाकयात के बयान करने के बाद कहा है कि अगर अल्लाह की रहमतों से तुम आरजूमंद हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम और मेहरबानी कर दे, तो उसका एक ही रास्ता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ शिर्क से पाक और फिर उसके बाद उसकी नाफरमानी से परहेज करो, उसने जो हिदायत नाजिल की है उसके ऊपर चलो, उसके ऊपर अमल पैरा हो जाओ। और जो शुरू में अल्लाह ताला ने इस सूरत के साथ फरमाया
کہ اتبیو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبیو من دونہ اولیاء, کہ لوگوں پیروی کرو اس تعلیم کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی, اس کی تم نے پیروی کرنی ہے, اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے. تمہارا رب ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کی تم نعمتیں کھاتے ہو پیتے ہو برتتے ہو, تو وہ جو حکم دے رہا ہے اس سے اچھی بات, اس سے بھلی بات تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو لہذا انہیں احکام کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیے گئے ہیں. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اللہ کے علاوہ جو تم نے دوسرے سرپرست اپنے بنا رکھے ان کی بات کو حلف آخر سمجھتے ہو. یہ کہتے ہو کہ ہمارے اکابر غلط نہیں ہو سکتے, ہمارے بزرگ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے, تو فرمایا کہ ان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہیں بھٹکا دیں گے گمراہ کر دیں گے. اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو. اور بربادی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نازل کردہ بات کو پیچھے کر کے اپنے بڑے اپنے نام نہاد بزرگ اور اپنے اقابر کی بات کو جو ہے ترجیح دیتا. آج اس امت کے جتنے فرقے اور مسلک بنے ہوئے ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, شیعہ, کتنے اور نہ جانے فرقے اور مسلک بنے ہوئے ہیں, اور ہر ایک اپنے اقابرین کے اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہا ہے. کیونکہ اللہ کی نے جو قرآن کی ہدایت نازل کی ہے اس میں تو کسی فرقے اور مسلک کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے کہ ہوا تماکم المسلمین من قبل وفی ہذا, پہلے بھی اللہ نے تمہارا یعنی اپنے ماننے والوں کا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی یہی ایک نام رکھا تھا. تو اللہ کو ماننے والا, اللہ کا مخلص بندہ وہ مسلم ہوتا ہے, فرما بردار اللہ کا. مسلمان کے علاوہ اس کی اور کوئی پہچان نہیں ہوتی. آج یہ فرقہ وارانہ پہچانے اور علامتی اپنے لیے ان کے آلات بنا دیے گئے, اور پھر اس کے بعد عقائد ان کے قرآن کے سراسر انکار پر مبنی, کہتے ہیں کہ یہ مردہ قبر کے اندر زندہ ہے, یہ سنتا ہے, یہ دیکھتا ہے, یہ پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ, کہ اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے, اللہ نے انہیں تخلیق کیا. اور جتنی زندگی اللہ نے ان کی مقرر کی تھی وہ انہوں نے گزاری, اس کے بعد مر گئے. امواتن غیر احیاء, اب وہ مردہ ہیں, ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون, اور انہوں نے یہ شعور نہیں ہے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ تو ان تمام ہستیوں کے بارے میں جن کو لوگ مشکل اونچائی حاجت ہوائی کے لیے پکارتے تھے ایک ہی اصول اور رابطہ بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اب یہ بے شعور ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, ان میں زندگی نہیں ہے. آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا, اس میں وہ واپس آ جاتی. ابن تیمیہ, ابن قیم, ابن کثیر نے یہ کہا ہے کہ یہ مردہ قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے, گھر والوں سے بھی واقف ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یا گناہ کے کام کر رہے ہیں. ہمارے اکابرین نے یہ کہا ہے, ہمارے دیوبند مسلک کے بانی قاسم نانوتوی نے یہ کہا ہے, اشرف علی تھانوی نے یہ کہا ہے کہ نبی بھی قبر میں زندہ ہیں اور قبر پہ آنے والے کے درود و سلام کو سنتے ہیں. اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں, قبر پہ سن لیتے ہیں, ہر جگہ نہیں سنتے. بریلوی کہتا ہے کہ نہیں, ہر جگہ سنتے ہیں. اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا, دنیا سے اس کا رابطہ واسطہ تعلق ختم ہو جاتا, چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہو. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی. سورہ مومنون میں
और उसके बाद कयामत के दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, आयत नंबर 15 और 16 में। कितनी वादे बात है। इससे पहले ये मुर्दा गल करके मिट्टी में मिलके फना हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता। ये बातें लोगों को समझाई जाए तो वो कहते हैं कि ये अजाब कब्र के मुनकर है, ये कहते हैं कब्र में अजाब नहीं होता, कुछ नहीं होता। हालांकि मरने के बाद जो अजाब का मुस्तहिक है उसको अजाब होता है कयामत तक, और जो राहत का मुस्तहिक है उसको राहत होती है। लेकिन उसका ताल्लुक इस जिस्म से और इस मिट्टी के घड़े से नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ घड़ा जो है ये जिसमें इंसानी जो मर जाता है उसको छुपाने के लिए इस्लामी तरीका बताया गया कि अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, इसको मिट्टी के हवाले कर दिया जाए, मिट्टी हो जाएगा। ये अजाब या राहत की जगह नहीं है, वो कब्र दूसरी है कि जहाँ अजाब और राहत कयामत तक हर इंसान के साथ जो जिसका मुस्तहिक है उसको होता है, और वो बरज़ख के पीछे वमी वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मरने वालों के पीछे बरज़ख हायल है कयामत के दिन तक, रुकावट है, वो दुनिया में नहीं आ सकते, ख्वाहिश के बावजूद वापस नहीं आ सकते। तो वो अजाब या राहत की जगह है, वरना हिंदू जो है वो अपने मुर्दों को जला देते हैं तो क्या वो अजाब से बच जाते हैं, और दूसरी कौमें हैं वो अपने मुर्दों को किसी और तरीके से तल्ख कर देती हैं उनकी लाशों को, वो अजाब से क्या बच जाते हैं। अल्लाह ताला तो सबके लिए एक ही बात बयान फरमाता है सूरह अबस में कि इंसान उसको हमने पैदा किया, किस तरह से ये कुफर करता है, और इसके लिए जिंदगी की राहें आसान थी, इसकी तब्दील मुकर्रर थी, और उसके बाद सुम्मा अमाता हू फअकबरा, फिर इसे मौत दी और फिर कब्र दी। अल्लाह ताला सब इंसानों के लिए एक ही उसूल और ज़ाब्ता बयान करता है कि अल्लाह ताला वो कब्र देता है जो कि अजाब या राहत की असल जगह है, और वो बरज़ख में, चाहे दुनिया में उसे दफनाया जाए या ना दफनाया जाए। कितने ही लोग हैं जो उनकी लाशें महीनों सर्द खाने में पड़ी हुई होती हैं कि कोई उनका अदील आए पहचान कर ले जाए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज ये अकीदे की गुमराही की बातें और कब्र परस्ती जो फैली हुई है वो भी इसी बात के नतीजे में कि अल्लाह की नाज़िल करदा हिदायत को फसेफुल डाल दिया गया है, अपने बड़ों और अपने अकाबरीन की बातों को और उनके बयान करना मन धड़क वाकयात को लोग जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं अल्लाह की किताब की बात को, और उनको समझाया जाए तो वो कहते हैं कि हमारे अकाबिर इतने बड़े बड़े आलिम थे, क्या वो गलत थे, क्या उनको कुरान का पता नहीं था। तो हर एक अपने अकाबरीन के पीछे चल रहा है, हर फिरके और मसलक वाला, और इसी सूरत हाल का अल्लाह ताला ने अहले किताब के बारे में जिक्र किया। सूरह तौबा में बयान फरमाया कि इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि इन अहले किताब ने यहूदियों और ईसाइयों ने अपने पीरों और अपने मौलवियों को अल्लाह के अलावा रब बना रखा। रब बनाना यही तो होता है कि अल्लाह की बात के मद्दे मुकाबिल उसकी बात मान लेना, यानी अल्लाह ताला की अहमियत नहीं है, उसकी बात की दूसरे की बात की ज़्यादा अहमियत है तो अल्लाह को तो रब नहीं माना। अल्लाह को रब मानने का मतलब ये होता है कि अल्लाह की हर बात को तस्लीम करना, हर बात को मानना जो अल्लाह ने फरमाई, और उसके मुखालिफ हर बात को रद्द कर देना। तो इसका आज ये उम्मत भी शिकार है सूरत हाल का, उलमा और मशायख को रब बनाया हुआ है, अकाबरीन का मसलकी दीन जो है वो हर फिरके का चल रहा है और उसी में वो खुश है। अल्लाह ने जो फरमाया कि कुल हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गुरोह उसी में मगन है जो उसके पास है, उसी को लेकर वो खुश हो रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। ये सूरत हाल आज भी है। बहरहाल
अल्लाह ताला इन आयात में जो मैंने बयान फरमाई थी, बयान की थी, तिलावत की थी, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कयामत के दिन का आवाज़ बयान करते हुए, तो वनादा असाबुल जन्नत असाबुन नार, कि उस दिन जो जन्नत वाले हैं वो जहन्नम वालों को पुकार कर कहेंगे, अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन, कि देखो भाई अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था वो हमने बिल्कुल सच्चा और पक्का पाया। अल्लाह ने कहा था कि अगर तुम खालिस अल्लाह की इबादत करोगे, मेरे रास्ते में अगर कोई तकलीफ आएगी बर्दाश्त करोगे, मेरे साथ ज़रा बराबर किसी को शरीक नहीं करोगे, मेरी खातिर तुम हर एक की नाराज़गी बर्दाश्त कर लोगे, तो मैं तुम्हें नेमतों भरी जन्नतों में दाखिल करूंगा कि जिसकी नेमतें तुम्हारे तसव्वुर से बाहर हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। तो वो वादा हमने तो सच्चा पाया। फहल वजद तुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तो तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था वो तुमने सच्चा पाया या नहीं पाया। यानी एक वादा अल्लाह का काफिरों और मुशरिकों से भी है, और वो ये है कि अगर वो इस कुफ्र और शिर्क से तौबा नहीं करेंगे तो आपकी सूरत में अल्लाह के अजाब को उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जो ईमान वाले पुकार कर कहेंगे कि हमने तो अल्लाह का वादा सच्चा पाया, तुम भी उस सूरत हाल को महसूस कर रहे हो जो तुम्हें बताई गई थी, तुमने सच्चा पाया या नहीं। फालू नाम, वो कहेंगे कि बिल्कुल हमने सच्चा पाया, जो कहा था आज उसी सूरत हाल में हम मुब्तला। फाजना मुआज़िनुन बैनहुम अल्लानतुल्लाही अलल ज़ालिमीन, तो एक पुकारने वाला उनके दरमियान ये बात पुकार कर कह देगा कि जालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह की रहमत मोमिनों के ऊपर है जो अल्लाह के मुखलिस बंदे थे, और जो जुल्म करने वाले अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले थे, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिर्क करना, जैसा कि सूरह लुक़मान में अल्लाह ने बताया कि लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क जो है बिला शुबा बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि अल्लाह दे अल्लाह सब कुछ करे और फिर दूसरों का शुक्र अदा किया जाए, इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होगी। तो फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर दोनों के दरमियान ये बात कह देगा जिसको सब बासानी सुन लेंगे कि जालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह दीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, जिनका मकसद और मिशन ये था कि लोग अल्लाह के रास्ते पर ना आने पर अल्लाह की बात मानने के बजाय दूसरों की बात माने। तो पहली बात तो ये कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले थे, वजह भूनहा इवजा, और चाहते थे कि अल्लाह का रास्ता टेढ़ा हो जाए, यानी अल्लाह ताला का जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम है, हिदायत का रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, और शिर्क और कुफर के जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, भूल भुलैया हैं। शिर्क और कुफर करने वालों को देखें, कभी इस बाबा के पास जाते हैं, कभी उस मजार पे हाजिरी देते हैं, कभी दूसरे बाबा से ताबीज लेकर आते हैं, कभी किसी से पानी पड़वा कर लाते हैं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी है, नहीं मिलती है, दर दर भटकते रहते, अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो, अगर शिफा ना भी दे तो अल्लाह ताला उनको अजर दे उनकी बीमारी पर। मोमिन बीमार होता है, सबर करता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला ने अगर शिफा नहीं देनी होती है तो अल्लाह ताला उसको सबर का अजर देता। तो फरमाया कि ये वो लोग थे कि जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले थे, वजह और चाहते थे कि ये अल्लाह का रास्ता टेढ़ा हो जाए, ये सीधा ना रहे, इधर उधर लोग निकल जाए, और ये जो है हर दौर में शैतान की कोशिश रही है। कभी भी बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कोई वजूद नहीं,
ऐसे लोग कम मिलेंगे। हाँ, अल्लाह के साथ ये दूसरे भी हैं, ये बाबा, ये पीर, ये मलंग, ये हमारे देवी देवता, ये चांद सूरज भी ताकतें रखते हैं, अल्लाह तो है लेकिन ये भी है। तो इस तरीके से शैतान अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा करता है कि इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देता, टेढ़ में मुब्तला कर देता, जो बात अल्लाह की है उससे हटा के इधर उधर निकालने की कोशिश करता है कि जरा सा ये टेढ़ा हो, और फिर जब वो जरा सा इंसान टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ी सिमत में सफर करने लगता है, तो आगे जाते जाते वो बहुत दूर निकल जाता है टेढ़ में। मिसाल के तौर पर कोई दीवार हम बना रहे हैं, अगर उसकी ईंट हम कोई टेढ़ी रख दें और फिर उसके ऊपर मजीद ईंटें रखते जाएं, दीवार जितनी बुलंदी पे जाती जाएगी उतनी टेढ़ी होगी। तो इस तरह से हर गलत अकीदे का हाल है जो अल्लाह की किताब से हटके बनाया जाता है। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह के दीन की ये जमात अल्लाह के दीन का काम कर रही थी, चलती रही, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी अच्छी सूरत हाल रही। शैतान ने वार किया, अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा करने की कोशिश की, किस सूरत में कि जी ये हज की किताब भी मुशरिकों को बांट दी जाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह का रास्ता क्या था कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ईमान वाले के लिए, मुशरिक के लिए नहीं। मुशरिक को ईमान की दावत दी जाएगी, ईमान उसका सही होगा तो फिर नमाज, रोज़ा, हज उसके लिए है, वरना नहीं। टेढ़ा किया गया और उसको सीधा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो टेढ़ा करने वाले थे वो अपने असर और अपने इख्तदार की बिना पर गलबा पा गए। अब इस टेढ़ा करने का अंजाम क्या हुआ, अगर कि वो भी अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, मोहम्मद हनीफ और उनके साथी, लेकिन इसका अंजाम आप गौर करें कि जब हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि मुशरिक की नमाज, रोज़ा, हज उसकी दावत हम दे सकते हैं, उसको नमाज, रोज़े, हज का तरीका हम उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि वो जाहिर है कि जब हम उससे ये बता सकते हैं वो नमाज, रोज़ा, हज उसके लिए भी है तो अल्लाह को भूल भी करता है। अल्लाह ताला अगर इबादत का हुक्म दे एक इंसान को और उसने कबूल ना करनी हो तो वो हुक्म कैसा, तो जब कबूल करता है अल्लाह ताला मुशरिकों की नमाज, रोज़ा, हज, तो फिर हमें भी उनके पीछे पड़ लेनी चाहिए, नमाजें उनके पीछे पड़ लेनी चाहिए, उन्हीं के साथ जो है दीन के सारे मामलात में शामिल हो जाना चाहिए। नतीजा तो यही निकला। इसी तरह से और दूसरी सूरत हाल हम देखें, कुछ लोगों ने टेढ़ पैदा करने की कोशिश की अल्लाह के दीन के सीधे रास्ते में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया गया, हालांकि सजदा ताज़ीमी इस नाम की कोई चीज़ दीन में नहीं है। दीन में तो ये है सजदा, रुकू, और वो अल्लाह का हक है, अल्लाह के अलावा किसी और का हक नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और को किया जाएगा तो शिर्क होगा, हर नबी की यही तालीम। लेकिन इसरार किया गया कि नहीं जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानो और सिर्फ उन्हीं के लिए खास मानो, बाकी किसी और को नहीं हो सकता, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ। उनके वालिद ने जो खुद भी नबी थे उन्होंने भी किया, उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो मोमिन थे उन्होंने भी किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा। अब इसका नतीजा क्या निकलता, नतीजा तो यही है कि अल्लाह ताला की खालिस इबादत ज़रूरी नहीं है। रुकू और सजदा जो कि अल्लाह का हक है, जब ये इंसान के लिए हुआ एक नबी के लिए, तो फिर किसी दूसरे इंसान के लिए भी हो जाए तो इसमें क्या हरज है। रास्ता खोलना होता है टेढ़ का, हालांकि सीधी बात है, अल्लाह ताला ने इनामात किए, अल्लाह ने नेमतें की, सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हम पर ये इनामात किए, अल्लाह के आगे सज्जा रेज हो गए।
हर अल्लाह के मोमिन बंदे का यही मामला होता है कि वो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह ही का शुक्रगुजार होता है, ना कि किसी मखलूक का। और आप देखिए आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर मुनाफिकीन ने बहतान लगाया, बहुत बड़ा बहतान लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान रहे और आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी परेशान रही। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा वालिद थे आयशा रजी अल्लाह अन्हा के, वो भी परेशान थे। और फिर बाद में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल करके ये बता दिया कि ये बहतान है, ये झूठ है और है ये हरगिज़ सही बात नहीं। अल्लाह ने वही नाजिल करके ये मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो सही बुखारी में ये आता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं तो अपने रब का शुक्र अदा करूंगी कि जिसने मेरी ये बरियत नाजिल की। तो आप देखें कि ये ईमान वाले का मामला होता है। इसी तरह से अभी एक और माजी करीब में जो साफ़ताना खड़ा किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मुआहदे में कुछ लिखा, इसको माना जाए और मौजदा माना जाए। हालांकि कुरान वाजे कह रहा है कि अल्लाह के नबी लिखना नहीं जानते, आप उम्मी है लिखने पढ़ने से ना वाकिफ। कुरान मुशरिकीन के सामने इस बात को दलील के तौर पर पेश कर रहा है कि तुम इसकी जिंदगी से वाकिफ हो, ये इल्जाम लगाते हो कि ये कहीं से सीख किया जाता है, कोई इसे सिखा देता है, कुछ लिखा हुआ इसको मिल गया है उसमें से पढ़ के आ जाता है। हालांकि इसकी उम्र तुम्हारे सामने गुजरी है और ये तुम जानते हो कि नबुवत से पहले भी ये ना कोई किताब पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, तो नबुवत के बाद तो फिर जाहिर है कि सब लोग दुश्मन हो गए। अब तुम ये इल्ज़ाम लगाते हो तो लेकिन ज़बरदस्ती कि नहीं जी माना जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, क्योंकि कताबा आ गया है बुखारी की रिवायत में के लिख दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हालांकि लिख दिया का मतलब लिखवा दिया, आसान सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लिखा गया सुलह हुदैबिया का मुआहदा, तो लिखवाने वाले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके हुक्म से लिखा गया तो उसको जो है रावी ने इस लफ्ज़ से बयान कर दी। अब वाकया तो एक ही है, दूसरे रावी जो है वो दूसरी तरह से बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है, शरायत बताई है अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते गए। नतीजा इसका क्या होगा कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया, इसको मान लिया जाए, मौजा मान लिया जाए, तो खालिस ये मुनकिरीन हदीस का उठाया हुआ सोचा है जो कुरान के इनकारी हैं। कुरान कहता है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, उम्मी हैं, वो उनको साबित करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते। दूसरा सोचा फिर ये उठाया जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही आई तो फरिश्ते ने कहा कि इकरा पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, तो वहाँ भी इसरार किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिखी हुई थी, लाया था फरिश्ता, और फिर जब उसने तीन मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया गले से लगाकर, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिखा हुआ पढ़ दिया। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम की रिवायत, उसमें ही आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला कैसर व इला किसरा व इला नजाशी व इला कुल्ली मुलूक जब्बार, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिख भेजे कैसर को, किसरा को, नजाशी को और मुख्तलिफ बादशाहों को। इसके लिए फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि नहीं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखे थे, हालांकि कतबा का लफ्ज वहां भी आ रहा है। लेकिन कल को जो है कोई और उठेगा वो कहेगा कि ये खत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखे थे क्योंकि कतबा का लफ्ज आ रहा और ये भी मौजा था माना जाए। उस खत की इबारत जो कैसर की तरफ लिखी गई थी वो भी मौजूद है सही बुखारी की रिवायत में और काफ़ी तवील इबारत है, उसको आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा खत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख दिया तो सीधी सीधी बात है कि वो लिखना पढ़ना जानते थे।
तो ये सोचना चाहिए कि हम जो रास्ता जरा सा टेढ़ा कर रहे हैं वो आगे जाके कितना टेढ़ा होगा। कुरान की बात सीधी सीधी आसान सी मान लेने में क्यों तामल हो रहा है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग थे जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले, और अभी आप देखें इस बिना पर वो एक अलग जमात बनाकर बैठ गए और मुसलसल फितने की जिनकी सूरत हाल है। फरमाया कि ये टेढ़ा करना चाहते हैं, वह हम बिलाखिरत काफिरून, और आखिरत के ये काफिर थे, तो इस वजह से इनको ये अंजाम देखना पड़ेगा। वो बैना हुमा हिजाब व अलल आराफ हिजाब, फरमाया कि उनके दरमियान यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान पर्दा डाल दिया जाएगा, और आराफ के ऊपर जो है कुछ लोग होंगे यारिफूना कुल्लम बिसीमा हूँ, जो हर एक को उनकी सूरतों से उनके हुलिये से पहचान लेंगे कि वो किस कैफियत में है, अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाले हैं या फिर जो है अल्लाह की रहमत के वो मुस्तहिक होने वाले हैं। वनादा हुआ साबल जन्ना, और वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि अन सलामुन अलैकुम, कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों। लम यदखुलूहा वहुम यतमाउन, ये अभी जन्नत में तो दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन इनको तवक्को होगी, उम्मीद होगी कि अल्लाह ताला इनकी भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देगा इनको। वैदा सुरिफत अबसारुहुम, और जब उनकी निगाहें फिरेंगी तिलका अस्हाब अन्नार, जहन्नम वालों की तरफ, उनका हाल वो देखेंगे कि जो तबाह बर्बाद हो रहा होगा। कालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिल ज़ालिमीन, तो वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन जालिम लोगों के साथ हमें शामिल ना करना, हमें इनके साथ ना मिलाना, इस अंजाम से हमें बचा लेना। फरमाया कि बनादा साबुल आराफ रिजाल यारिफूना हुम बिसीमाहुम, कि ये जो आराब के लोग हैं ये कुछ लोगों को उनकी सूरतों से शनाख्त करते हुए पुकारेंगे। आलू मा अगना अनकुम जमुकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, कि तुम्हारा जत्था जो है वो तुम्हारे किसी भी काम ना आया, तुम जो करते थे कि हम तादाद में इतने ज़्यादा हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हैं, तुम लोग तो थोड़े से हो, तो वो कहाँ गई तुम्हारी तादाद? जहन्नम से बचने के लिए वो तादाद तो तुम्हारी किसी काम ना आई। ईमान वाले थोड़े थे लेकिन अल्लाह के रास्ते पर थे, अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश कर दी, उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो तुम जो करते थे कि हमारी अक्सरियत है, ये हमारा इलाका है, यहाँ तुम अल्लाह की खालिस बड़ाई बयान नहीं कर सकते हो, तो कहाँ गया तुम्हारा जत्था? वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जिनका जिस चीज़ों का तुम्हें तकब्बुर था वो भी तुम्हारे किसी काम ना आया। अहा उलाइल्लज़ीना अहसनतुम, ये जो ईमान वाले हैं अल्लाह की नेमतों में है, अल्लाह की बेशबहा इनामात में है, इन्हीं लोगों के मुतालिक अक्सनतुम, तुम कसमें खा खा कर कहा करते थे कि ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमत, इनको अल्लाह की रहमत से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, थोड़े से लोग हैं, और इनकी हैसियत ही क्या है, गरीब लोग हैं, और हम लोग अल्लाह ने हमें यहाँ दुनिया में भी नवाजा है, तादाद में भी ज़्यादा है, माल और दौलत भी हमारे पास बहुत है, तो हम जन्नत में जाएंगे। और ये जो कहते हैं कि एक अल्लाह ही दाता दस्तगीर मुश्किल को क्या आजम रवा है, ये इनको अल्लाह की रहमत से कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पीर साहब जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे और हमें जन्नत में दाखिल करते जाएंगे, इन लोगों को धक्का दे के भेज जाएंगे, वापस भेज देंगे, चलो मुनकिरो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो फरमाया कि इनके मुतालिक तुम कसमें खा खा कर ये कहा करते थे, और आज इन्हीं को अल्लाह की तरफ से ये कह दिया गया है कि उदखुलुल जन्नत, कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, ईमान की बिना पर अल्लाह की रहमत से तुम मुस्तहिक करार दिए गए हो। ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़रून, तुम्हें आज ना किसी खौफ का सामना होगा और ना कोई रंजो अलम तुम्हारे करीब आएगा, दुनिया में परेशानियाँ देखी तुमने,
मुश्किलात बर्दाश्त की, लोगों ने बहुत सताया, तो मैं डर भी रहता था कि लोग हमला ना कर दें, ये हमारी बस्ती में मुनकिर क्यों रह रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ पर ना तुम्हें कोई खौफ होगा और ना ही कोई गंज, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी तुम्हें जो है मिलेगी अल्लाह की रहमतों में। फरमाया कि इनको दाखिल कर दिया गया है, तो अल्लाह ताला ने क़यामत के आने से पहले ये सूरत हाल हमारे सामने बयान कर दी है कि मैदान महशर में क्या सूरत हाल होगी, और वहाँ पर ईमान खालिस जो कि हर किस्म के शिर्क की मिलावट से पाक हो, उसी की बिना पर ही जो है वो जन्नत का हुसूल मुमकिन है, अल्लाह ताला की रहमतों का हुसूल मुमकिन है। बाकी किसी और आखिर के जरिए कि फना बाबा, फना पीर, फना हमारा बुजुर्ग, फना ताबिर, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे, एक दूसरे को बुरा कह रहे होंगे। पीर जो है वो मुरीदों से लड़ रहा होगा और मुरीद जो है वो पीरों से लड़ रहा होगा कि तुमने मरवा दिया, तुमने मरवा दिया। अल्लाह की बात मानने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के फिरका और मसलक परस्ती से बचाए। आमीन।